क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप मेरे पीछे क्यों पड़े? ना अपने दादाजी से कहा है ना कि मेरी और आपकी शादी कर दें? शर्म आनी चाहिए आपको ये बात करते हुए। इसमें हर्जी क्या? तुम मेरे भाई की बेवा और इस घर का वारिस होने के नाते अब तुम मेरी जिम्मेदारी। आपको मेरी नहीं अपनी फिक्र है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिश की तकमील करना चाहते हैं। अगर मैं भी आपसे कभी शादी नहीं करूंगी। मुस्कान, जिंदगी के बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जो इंसान को दिल से नहीं दिमाग से करना चाहिए। तुम चाहती हो ना कि लाइबा और इबाद की शादी हो जाए? मेरी और आपकी शादी से लाइबा और इबाद के निकाह के क्या ताल्लुक? ताल्लुक है। दादाजी लाइबा और इबाद के निकाह के लिए कभी भी नहीं मानेंगे। और रियान की मौत के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मैं जानती हूं मुझे इसी बात का दुख है, लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। रियान की ख्वाहिश जरूर पूरी होगी, लाइबा और इबाद का निकाह जरूर होगा। और तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ तुम किस तरह करो? आप चाहें तो ऐसा हो सकता है। ठीक कह रही हो, अगर मैं चाहूं तो ऐसा हो सकता है। दादाजी को अगर कोई राजी कर सकता है तो सिर्फ मैं। लेकिन मुस्कान, इसके बदले तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। कौन सी बात? तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। देखो मुस्कान, मैं रियान की जगह नहीं ले सकता और ना ही मैं लेना चाहता, लेकिन जिंदगी के बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जो आपको खानदान वालों के लिए लेने पड़ते। तुम्हारे पास वक्त है, सोच लो।